बता दें हाईकोर्ट सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। 82% आरक्षण पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने रोक लगाई है। कुणाल शुक्ला सहित अन्य ने इस सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाईकोर्ट से, भूपेश सरकार को बड़ा झटका लगा है जिसमें 82% आरक्षण पर रोक लगाई गई है। आपको खबर बता रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कितना बड़ा झटका मान सकते हैं भूपेश सरकार के लिए? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है सरकार के लिए। सरकार के पास एक भारी भरकम टीम है, लीगल टीम है, बावजूद उसके जो जिस तरीके से कुणाल शुक्ला आदित्य तिवारी समेत कई लोगों ने याचिका लगाई थी, और इस याचिका में लोगों ने जो सरकार ने 82% आरक्षण किया था, 13% SC को दिया था, 32% ST को दे दिया था और 28% OBC को दिया था, और तमाम दूसरे जो विकलांग हैं और तमाम ऐसे मिलाकर के जो 82% आरक्षण को दिया था, 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया था। इसमें तो जिस तरीके से संविधान के खिलाफ इसको लेकर के जो याचिका में लगाया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और संविधान के मुताबिक जो है वो गलत है, और उसमें सरकार ने चूंकि कुछ उसमें डाटा पेश नहीं किया है और सरकार में जो आरक्षण के पहले की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, इन तमाम बातों करके इसमें जो है याचिका में कहा गया था। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 50% से ज्यादा आरक्षण न होने की बात कही है, तो ऐसे में जो हाईकोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, तो एक बड़ी जीत है। और भूपेश सरकार ने बड़ा इसका आरक्षण को लागू करते साथ एक राजनीतिक उसमें वो भी देखा था और अपना निशाना भी साधा था। ऐसे में अब जब ये आरक्षण जो है वो इस पर रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, तो सरकार के लिए तो एक फजीहत हो गई है कम से कम, लेकिन एक राहत वाली बात है सम्मान वर्ग जिन लोगों ने लगाई थी इसको याचिका को उसको उनको एक कम से कम बड़ी राहत है। अब इसमें सरकार फर्दर क्या करती है, इसको डीवी में देगी, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देगी, ये महाधिवक्ता से हमने बात करनी चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में इसमें बात करेंगे, और इस मामले में सरकार निश्चित रूप से क्योंकि एक तो बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया था भूपेश सरकार के कैबिनेट में और प्रदेश भर में भूपेश सरकार ने काफी इसको और लगातार भूपेश सरकार ये बात कहते रही है कि आरक्षण और बढ़ेगा इस जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या के आधार पर और जो बाकी लोगों का आरक्षण है वो भी बढ़ाया जाएगा, तो एक बड़ा इश्यू था सरकार के लिए। और बड़ा चूंकि अब ऐसे नगरी निकाय चुनाव सामने हैं तो ये आरक्षण के बेस पे बड़ी जीत बड़ा वर्ग एक साधने की कोशिश सरकार की ओर से थी, लेकिन ऐसे में जब हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। इस वर्ग को साधने का काम सरकार ने आरक्षण के माध्यम से करने की कोशिश की थी, ऐसे में अब सरकार हाईकोर्ट के फैसले से सब बाधित होंगे, क्योंकि ये फैसला हाईकोर्ट का भी नहीं, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, तो उसको मानना भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक जो हाईकोर्ट की बाध्यता है वो भी होती है, बड़े बेंच की जो आदेश होते हैं उसको निचला अदालत जो है हमेशा मानते रहा है और एक अघोषित बाध्यता होती है जिस तरीके से, तो हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं जो इस मामले में चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और PP साहू की बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला इस पे आया है, तो फिर रोक लगा दी सरकार के पूरे फैसले पे। अब इसमें क्लासिफिकेशन जरूर हो सकता है कि जो जो जैसे 13% ST को किया गया था, ST को 32 किया गया था, 28 OBC को किया, अब इसमें थोड़ा सा सरकार भले सुधार करने की कोशिश कर सकती है इसमें कि कहीं अब OBC ने थोड़ा कम करके उसको, या क्योंकि ST का आरक्षण 12 से 13% किया था, 1% बढ़ाया था, यही हालत लगभग कमोबेश जो है वो OBC में रही, तो ये अब सरकार उसकी अब नए सिरे से कोशिश तो करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि बड़ा झटका है और सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी कहीं ना कहीं मेरा मानना है, तो एक बड़ा इश्यू है ये, इसको लेकर हो सकता है सरकार नए सिरे से इसमें अपना जो है दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठा करे और नई एक्सरसाइज करेगी और उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको ही आगे मोड पर ले जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में बंटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है, तो वहीं